बारहवीं का पेपर हुआ लीक। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार में पेपर लीक करवाने का व्यवसाय जारी। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने ली यूपी विधानसभा सदस्य की शपथ, जसवंत नगर सीट से जीता था चुनाव, सपा की बैठक में नहीं हुए शामिल। अमेठी में ग्राम प्रधान ने ब्लॉक ऑफिस में घुसकर फाड़े सरकारी दस्तावेज, कर्मचारी से की मारपीट, मामले का वीडियो हुआ वायरल। अमेठी में बेटी और बहू ने पीटकर मां को घर से निकाला, बुजुर्ग महिला ने थाने पहुंचकर की शिकायत, कहा बीजेपी को वोट देने पर बेटे बहू ने निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में फिर से पेपर लीक मामला सामने आया। इस बार दूसरी पाली में 2 बजे से होने वाली इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी बीजेपी सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम बीजेपी सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूरा नहीं होने देना चाहती। बीजेपी सरकार अपनी इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए इसे कागज का ही बुलडोजर चलवा दी। तो ये थी विपक्ष की प्रतिक्रिया, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आज जो अंग्रेजी का पेपर दूसरी पाली में होना था वो लीक हो गया, और इसके बाद लगातार इस पूरी खबर की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा हुआ है। 24 जिलों में परीक्षा नहीं हुई, इसके अलावा जो 51 जिले थे वहाँ पर जैसा कि पूरा ये प्रोग्रामिंग तय था उसके तहत परीक्षा हुई है, लेकिन 24 जिलों में ऐसा नहीं हो पाया है। इसके बाद जांच बिठाई गई है, जांच के लिए वाराणसी से बलिया एसटीएफ जो है वो रवाना हुई, यानी इनके अलग अलग ज़िलों में जो टीमें हैं वो रवाना हो रही है। डीएमएसएसपी से रिपोर्ट मांगी जा रही है, एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बलिया की जो डीआईओएस हैं और एक प्रिंसिपल, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो 24 जिलों में परीक्षा नहीं हुई है, 51 जिलों में परीक्षा जारी रही जो कि खत्म हो चुकी है। इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और तमाम कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो डीएमएसएसपी लगातार जांच कर रहे हैं, एसीएस आराधना शुक्ला ये कहती हुई नजर आई हैं, और साथ ही साथ एनएसए लगाने के भी आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं जो दोषी हैं उन पर। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तहान और परीक्षा की शुचिता उपलब्धता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में रही है, 24 ऐसे जनपद हैं उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है, मैं ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, कानपुर, देहरादून। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शिल्पा मेरे साथ लखनऊ से सीधे लाइव जुड़ गई हैं। शिल्पा, इस पूरे मामले में लगातार सुर्खियां बटोरी हैं, एक बार फिर से यूपी बोर्ड में 12वीं की आज दूसरी पाली में परीक्षा होनी थी, अंग्रेजी का ये पेपर था जो कि लीक हो गया है, इस पूरे मामले पर अब तक का अपडेट पहले बताइए। उत्तर प्रदेश में उस वक्त हलचल मच गई थी जब यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। आज 2 बजे अंग्रेजी का पेपर होना था इंटरमीडिएट, जब पेपर लीक होने की जानकारी मिली तो मानो उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में पूरी तरीके से हलचल मच चुकी थी और परीक्षा बारिश हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा को रद्द किया जा चुका था। मिल रही जानकारी से पेपर लीक हुआ है, प्रशासन की तरफ से डीआईओएस के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, उसके खिलाफ लगाने के निर्देश दिए गए। अगर हम पेपर की पैकिंग की बात करते हैं तो पेपर पूरी तरीके से सील किया गया था। बीएम में पेपर कैसे लीक हुआ या
तीन लेयर में पेपर की पैकिंग में था, 24 दिन में एक सीट भेजे गए थे वहीं बलिया की। वाराणसी से एसटीएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। 24 दिन के डीएम से रिपोर्ट पर क्या गया है ठीक लगातार देखा जाता है कि सरकार एक बड़ा सड़कों पर जा रहा है वहीं योगी बिल्कुल शिल्पा 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने क्या कहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जांच बैठाई जाएगी। बलिया के जो DIOS हैं और बाकी जिलों में क्या ऐसी कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि बलिया के DIOS को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि जो भी हमारे दोषी हैं, दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सड़कों के पीछे तक भेजा जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के पेपर लीक हो पर उनसे कोई भी ज्यादा कार्यवाही की जाएगी। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी कहा है जिस सरकार में डिग्री के नाम पर 4 मीनार क्यों के दर्द को कौन समझेगा, पार्टी शिक्षक माफियाओं के सामने पूरी तरीके से मस्तक है। साथ ही बता दें कि पेपर लीक को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण कुमार ने बताया है कि 10 बजे करीब बलिया DM को यह सूचित जिलों में पाया गया कि पर्चे पर जो पेपर लीक हुआ है, जो द्वितीय पाठ की परीक्षा को निरस्त किया गया है, किन परिस्थितियों में पर्चे लीक हुए हैं, किन परिस्थितियों किन किस स्तर तक शिक्षक बात कार्यवाही की गई है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए 51 जिलों में तो परीक्षा हुई है, लेकिन उन 24 जिलों के बच्चों का क्या, जो लाखों की संख्या में थे और पूरी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों से भी हमने लगातार बातचीत की है, उन बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक से हमें पता चलता है कि जो अंग्रेजी का पेपर है वो लीक हो गया है, जो दूसरी पारी में होना था। ऐसे में बच्चों की मेहनत, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल की वजह से वैसे ही इतनी सारी परेशानियां जो है वो बच्चे झेल रहे थे, एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है, फिर उन्हें इंतजार करना होगा कब पेपर होगा। जी हाँ जी, बता दें कि यूपी के जो 24 जिले में परीक्षा रद्द हुई थी, साथ ही 51 जिलों में भी परीक्षा होंगी। अब जो तारीख है वो 4 तारीख चौथा महीना 13 तारीख चौथा महीना 2022 को फिर से पेपर 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 कराया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण कुमार की लॉ एंड ऑर्डर ने सूचित कर या भी सारी परीक्षा है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। और ठीक है शिल्पा, देखिए तारीख दे दी गई है कि एक बार फिर से 4 तारीख को जो पेपर है वो होगा अंग्रेजी का। जो बच्चे रह गए हैं जिन जिलों में नहीं हुआ है उसमें ये अपडेट दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। 2019 आप उठा लीजिए, 2020 उठा लीजिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ 12वीं का पेपर, इसके अलावा भी तमाम ऐसे पेपर जो लीक हुए हैं, हर बार कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई की भी जाती है, कई बार जमीनी स्तर पर भी की जाती है, कागजी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो इसमें पूरी तरह से सफर करते हैं, इसको लेकर क्या बच्चों को अभिभावकों को ढांढस बंधाया गया है कोई भी अधिकारी? सर अधीक्षक योगी जी ने भी ट्वीट किया है कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही जो दोषी पाए गए हैं, जो विरोधी हैं, उनको इलाकों के पीछे किया जाएगा। साथ ही बहुत पेपर लीक की वजह से जिलों में जो परीक्षा जिनके आगे मैनपुरी है, मथुरा है, अलीगढ़ है, गाजियाबाद है, उन्नाव से सीतापुर, मेरठ, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, कानपुर देहात और भी शामिल है इन सब। बिल्कुल, और जो जिला के DM और SP से रिपोर्ट मांगी गई है, क्या वो रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है? सिर्फ बलिया के अलावा और कहीं एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दिया है शिल्पा, क्या कोई अपडेट है इसमें? जी अभी तक डॉक्टर जानकारी देते हुए बताया कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी, अभी वो कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ ये आश्वासन दिया जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं कहा जा रहा है। ये भी मुहिम है, उनको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये भी कहा गया है कि जहां पर भी परीक्षा हो रही है वो सुचारू रूप से चलती है और मुहिम को सड़कों के पीछे लाग जाए। बिल्कुल, और शिल्पा ऐसे कितने बच्चे हैं, कितनी संख्या में हैं जो 24 जिले के बताए जा रहे हैं जो आज इस परीक्षा में नहीं बैठ सके हैं, क्या उनके अभिभावकों से आपकी बातचीत हो पाई है, उन छात्रों से आपने बातचीत की, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं सुबह से ही? जी छात्रों से बातचीत करी, छात्रों ने जो भी कहा है उनको ये कहा है कि हमारी जो मेहनत है उसको पानी पर गया है पूरी तरीके से, हम सरकार से यही चाहेंगे कि सरकार जो है हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
चलिए ठीक है शिल्पा, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो ये तस्वीर है, आज अंग्रेजी का पेपर होना था 12वीं कक्षा का यूपी बोर्ड का, लेकिन वो दूसरी पाली में नहीं हो सका क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो गया। तमाम बातें की जा रही हैं कि कार्रवाई की जाएगी। ACS ग्रे अवनीश अवस्थी कहते हैं कि विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, NSA लगाया जाएगा जो भी दोषी हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि जितनी लाखों की संख्या में बच्चे थे, एक बार फिर से वो पेपर देंगे? जो तैयारी उन्होंने अब करती है, दोबारा से उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी? इसके अलावा विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि अभी नव निर्वाचित सरकार हुई है, दूसरी बार एक बार फिर से सरकार का गठन हुआ है, और सरकार बनते ही एक बार फिर से ये मामला जो है वो उजागर हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और ज़्यादा उजागर करता हुआ नजर आएगा, जैसे कि अखिलेश यादव ट्वीट पहले ही कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। इससे पहले शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद कई कयास लगाने शुरू हो गए थे। उनका कहना था कि उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं सपा की एक और बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। बताया गया है कि वो भरथना तहसील के नगला गांव में हो रही भगवत कथा में शामिल हैं। ऐसे में वो सपा के गठबंधन दलों की मीटिंग में शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी छोड़ गठबंधन से अलग हो सकते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे तमाम कयासों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में सभी नवनियुक्त मंत्रियों को कमरे आवंटित किए गए हैं। जहां वरिष्ठ मंत्रियों को मुख्य भवन में फर्स्ट फ्लोर पर कमरे आवंटित हुए हैं, तो वहीं राज्य मंत्रियों को बापू भवन में कमरे दिए गए हैं। ये वो लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन जिन मंत्रियों को जहां जहां कमरे आवंटित किए गए हैं। बदायूं के ब्लॉक समरेर के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बरेली दातागंज रोड जाम कर मोर्चा खोल दिया। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायतों के दर्जनों सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। बदायूं की तस्वीरें, तो सुबह से ही यहां पर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बरेली दातागंज रोड जाम कर दिया था और मोर्चा खोल दिया था। वही तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायतों के दर्जनों सदस्य धरने पर भी बैठे हुए नजर आए थे। तो बदायूं की तस्वीरें हैं, जहां पर ब्लॉक समरेर के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बरेली दातागंज रोड जाम कर मोर्चा खोल दिया। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायतों के दर्जनों सदस्य धरने पर बैठे हुए नजर आए। मांग यही है कि हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती है। कुछ काम मांगो तो कहते हैं कि अप्रैल में कहना, वो अप्रैल में बताएंगे या मई में बताएंगे। अगर सुनवाई नहीं होती क्या करेंगे? तो हम चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे, सीधी सी बात है। ना दी थी अपने सम्मान के लिए क्षेत्र पंचायत, जो हम लोगों ने अधिकार बनाया उस सम्मान के लिए। नहीं तो हम सरकार के विपक्ष में है, नहीं विधायक जी के विपक्ष में है। कौन कौन सी कितने सूत्र ये मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोग? हमने सूत्र मांगा था कि गांव में हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य जो भी काम हो उसमें हम लोगों की नाम प्लेट। दूसरी बात कि हम लोगों को थोड़ा बहुत तो काम मिले, जिससे हमने गांव की जनता ने हमें वोट दिया है, उन्हें हम विश्वास दिला सकें कि हमने, आपने हमें वोट चुना और हमने ये काम दिया। लेकिन प्रमुख जी हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। जनता के हित में जो भी हमारी मांगे हैं वो सब पूरी की जाएँ। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारी जनता है जिसने हमें वोट दिया, हमने रात दिन मेहनत की, उनसे वोट मांगे, उनने हमें वोट दे करके हमें ये बनाया और उसके बाद हमारे लिए कुछ मिलता नहीं है। तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर बदायूं के ब्लॉक समरीर के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बरेली दातागंज रोड जाम कर मोर्चा खोल दिया। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायत के दर्जनों सदस्य धरने पर बैठे रहे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विजय राठौर मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, पूरा मसला क्या था, क्यों ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत के दर्जनों सदस्य धरने पर बैठे हुए थे ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ? जी, आपको बता दें कि ये मामला जो है बदायूं जनपद के दातागंज क्षेत्र के समरेर ब्लॉक का है, जहां पर BDC मेंबर की जो त्रिमासिकीय बैठक हुआ करती थी उसको लेकर के एक वर्ष से लगातार कोई बैठक नहीं हो पा रही थी, जिसको देखते हुए जो है BDC सभी सदस्य जो है रोड पर आए और उन्होंने ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाते हुए जो है उनके खिलाफ मोर्चा
बोला है, और इसको देखते हुए रोड पर उन्होंने बरेली, अगर दातागंज रोड की बात की जाए तो रोड पूरा जाम करने के बाद घंटों रोड जाम रहा, जिसके बाद दातागंज SHO और CO दातागंज पहुंचने के बाद, समझाने के बाद रोड जो है खुला है पूरा। अगर मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो BDC सदस्य हैं वो लोग जो है जो वहां पे ब्लॉक प्रमुख हैं उनके खिलाफ, उन पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जो है ये सब धरना कर रहे हैं, और उनको जो है हटाने का भी लोग और उनके खिलाफ नारेबाजी इस तरह से कर रहे थे, और एक तरह से उन पर आरोप। अब ये धरना विजय खत्म हुआ है, कोई आश्वासन मिला? जी, अगर देखिए धरना तो पुलिस प्रशासन के कहने पे खत्म हुआ है, हालांकि उनका वीडियो या फिर जो है प्रशासनिक उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और उन्होंने अपना जो है एक ज्ञापन जो है ADO पंचायत को सौंपते हुए, ठीक है, आगामी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो, और जल्द से जल्द तो उनकी जो मांगे हैं उनको अगर पूरा नहीं किया गया तो आगामी भी धरने के लिए जो है उन्होंने जो है चेतावनी भी दी है। ठीक है विजय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बदायूं का ये पूरा मामला था जहां पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया अपनी तमाम मांगों को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना था जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, धरने को वहां से खत्म कराया है। कुशीनगर के बाबर की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में BJP प्रत्याशी को वोट देने से नाराज मुस्लिम युवक और उसकी पत्नी की तरफ से अपनी मां को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया गया है। घर से निकाले जाने के बाद दर दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को माँ और बेटे के बीच जमीनी विवाद बता रही है, जबकि ग्राम प्रधान ने भी दोनों के बीच जमीन का विवाद बताया है। राजा का वोट देना वही के बरे आए, लड़का मारा था, बहू मारा था भैया। अच्छा, हाँ, ठाकुर के कहे। आपने विधायक जी को, तिलोई विधायक जी को वोट किया था? हाँ, इस वजह से आपकी बहू और लड़का आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ, लड़का आवा हमारे जन के जमीन लेना। हाँ, तो कहीं चाची ने इनका वोट दे, राजा का कम वोट देना। हाँ, वही के बरे कहा। देखिए, तिलोई का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, थाना मोहनगंज लगता है। उसमें प्रकरण संज्ञान लेने के बाद जब जांच की गई, थाने स्टीम गई, तो ये पता लगा कि वहाँ पर गांव के रहने वाले नसीम खान और उसकी माँ दोनों अगल बगल कमरा बना के रहते हैं। वहीं पे नसीम खान अपने घर के सामने बाउंड्री बनाना चाहते हैं, जिसका उसकी माँ विरोध कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था, जहाँ से इसकी जानकारी हुई है, इस वक्त पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अन्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसकी पुष्टि जाँच से नहीं हुई है। वही अमेठी में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे, जमीन का विवाद हिंसा का कारण यहां बना हुआ है। बता दें कि हाल ही में अमेठी के संग्रामपुर में भी जमीनी विवाद में एक युवक की हत्या हुई थी। वही एक बार फिर जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के दादर गांव में जमीन को लेकर हुई मारपीट में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां पर 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। औरैया में प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति से खौफ के साए में जी रहे बदमाश अब खुद हाथों में तख्ती लेकर सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके चिल्ड्रन स्क्रीन पर, तस्वीर आपके सामने, बता दें कि नजारा है औरैया का। ये तस्वीर औरैया की, जहां पर कोतवाली में 25,000 के नामी बदमाश ने हाथों में तख्ती लेकर अपनी जान की दुआएं करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, रहम की भीख मांगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि 3 शातिर बदमाशों में से एक इनामी बदमाश ने जालौन में सरेंडर किया, तो वहीं 2 अन्य बदमाशों ने औरैया कोतवाली में सरेंडर किया है। 24/3/22 को थाना कोतवाली में एक मुकदमा वादी ने लिखवाया था, जिसमें उसने 3 लोग के ऊपर रंगदारी मांगने का और मारपीट करने का आरोप लगाया था। ये एक व्यापारी थे, इनके द्वारा बताया गया कि सोनू अवस्थी, सोनू पांडे और बॉबी चौधरी नाम के जो अपराधी, इनसे रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी ना देने की एवज में इनके साथ मारपीट करी गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा जनपद पुलिस की तरफ से ₹25,000 का इनाम इन 3 अपराधियों के ऊपर घोषित किया गया था, जिसके फलस्वरूप सोनू पांडे और बॉबी चौधरी और सोनू अवस्थी, तीनों हिस्ट्री शीटर हैं थाना कोतवाली और रैया के, तीनों
पुलिस के पास आकर के आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें सोनू अवस्थी ने न्यायालय जनपद जालौर में जाकर के आत्मसमर्पण किया और सोनू पांडे और बॉबी चौधरी दो ये दो अपराधी हैं थाना वाली आकर के आत्मसमर्पण किया। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोड़ीकोल गांव में खेत में बम और बारूद मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि खेत में काम कर रही कुछ महिलाओं ने संदिग्ध अवस्था में एक बैग देखा। इसकी सूचना महिलाओं ने पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग को कब्जे में ले लिया। जब बैग को खोला गया और पुलिस ने जाँच की तो बैग में कुछ पटाखे मिले जिनमें तार लगा हुआ था जो देखने में बम जैसे दिखाई दे रहे थे। साथ ही एक अन्य बोरे में अबीर का पाउडर बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना कप्तानगंज के कौड़ीकोल गांव में आज प्रातःकाल जब एक सरसों के खेत में लोग कटाई कर रहे थे तो वहां पर एक बैग में संदिग्ध अवस्था में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसके संबंध में जैसे ही सूचना दी गई तो थाना कप्तानगंज की पुलिस और एडिशनल एसपी और सीओ मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा इस संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की जाँच की गई। प्रथम दृष्टया देखने से उसमें दिवाली की जली हुई आतिशबाजी और एक रंगोली का बुरादा वहाँ मिला है, लेकिन इसके संबंध में आगे की जानकारी करने के लिए सिक्योरिटी टीम भी बुलाई जा रही है जिनके द्वारा इसकी जानकारी की जाएगी। मौके से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री को हटा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और हमारी अधिकारी और हमारी पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद है। चमोली के ज्योतिर्मठ में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़ी स्टिफ मणि शिवलिंग का चमोली के ज्योतिर्मठ पहुंचना भी आदि जगतगुरु शंकराचार्य के लिए शुभ संकेत है। वो ज्योतिर्मठ सभा मंडप में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टिफ मणि शिवलिंग पर त्रियंत्र बना है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में हम लोग यहाँ पर महापूजा का आयोजन कर रहे हैं। 1000 कन्याओं का कन्या पूजन आयोजित होगा और फिर जैसी भगवती की प्रेरणा होगी स्वाभाविक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतना विशाल विश्व का अप्रतिम श्रीयंत्र स्फटिक में बना हुआ अगर यहाँ आ चुका है तो क्या इसका मंदिर बनेगा, यहाँ प्रतिष्ठा कहाँ होगी। तो हम लोग अभी इसको कहने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि अभी तो भगवती का ये विग्रह आया है। आगे भगवती की जो प्रेरणा होगी तदनुसार निश्चित रूप से वो अपना मन बनाएगी। तो अभी लेकिन कुछ नहीं कह सकते। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए सदन के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक अनुपमा रावत, विधायक हरीश धामी, विधायक भुवन कापड़ी सहित कांग्रेस के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेवजह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनको परेशान भी किया जा रहा है। दिनेशपुर में हरिचांद गुरचांद मंदिर में हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ महा वारुणी और हरिचांद गुरचांद जी के जन्मदिन के अवसर पर हरिचांद गुरचांद भक्तों की तरफ से मंदिर स्थित तालाब में आस्था की डुबकी लगाई गई। इस दौरान क्षेत्र के श्रद्धालुओं के अलावा पूरे भारतवर्ष के कई प्रांतों के लोग दिनेशपुर पहुंचे। तो हम लोग जो है हरि भक्तों की जो यहाँ पे हमारा दादा परदादा सब मानता है ये परंपरा चल रहा है हमारा। हम भी 4-5 साल से आ रहे हैं, हमारा दादा व परदादा सब इसी को मानता है। तो हम जो इस पर जो श्रद्धा है हमारा जो मांगते हैं सब हमारा मनोकामना पूर्ण होता है, सब पूरा होता है। हमारा हरिचंद ठाकुर हमारा पूरा कर देता है, उस पर कोई कमी नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं और भी भक्तगण आता है बहुत दूर दूर से पूरा भारत से सबकी यहाँ पे आए के सबकी मनोकामना पूर्ण होता है। क्या करें मान्यता है, यहाँ हम बहुत साल पुराना हरि मंदिर है। क्या लोग जो भी विश्वास लेके आते हैं भगवान श्री हरि के नाम से उनका मनोकामना पूरा होता है और हम बड़े विश्वास के साथ अपने यकीन के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं। वो लोग बहुत दूर दूर तक से लोग आते हैं और यहाँ हम स्नान करते हैं। इस जगह पे स्नान करने के बाद जो भी हम कामना करते हैं वो भगवान श्री हरि पूरा करते हैं। हमें बहुत आस्था है, अपने जीवन भर जो है हम इसी आस्था के साथ रहेंगे और इसी की आस्था के साथ हम आते रहेंगे हर साल में। और
और भी लोग बहुत दूर दराज से कलकत्ता बॉम्बे दिल्ली हाँ तक से लोग आते हैं। जय हरि बोल, जय हरि बोल, जय हरिचाँद, जय गुरुचाँद, जय तारोचाँद, जय गोपालचाँद। आज सबसे हमारा लिए सबसे बड़ा दिन है। पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचाँद ठाकुर आज के दिन जन्म लिया था। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महावारुणी गंगा स्नान होता है पूरा भारतवर्ष में एवं बहिर्विश्व में भी। आज हर जगह पे महावारुणी स्नान चल रहा है। ये दिनेश्वर मंदिर में पूरा भारतवर्ष से भक्तगण आए हैं। आके यहाँ पे डुबकी लगा रहा है, मन्नत कर रहे हैं, भंडारा रूपी सेवा कर रहे हैं, अचारे एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। फतेहपुर के बीनकी कोतवाली क्षेत्र के बाईपास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा बदमाश रात का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया और फरार हुए बदमाश की तलाश में जुट गई है। गाजीपुर के जुमानिया कोतवाली में तैनात SI अनिल कुमार सिंह को वाराणसी विजिलेंस विभाग की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी से आई विजिलेंस टीम के प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। जी, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, मैं निवास। क्या हुआ था और किस तरह का मामला है, कैसे प्रकाश में? जी, मामला FIR से नाम हटाने को लेकर था। उसमें जो है फिर हमने ACO से मदद मांगी तो उसमें सहायता मिली हमको। जी, विवेचक कर रहे थे जो हमारे दरोगा जी अनिल कुमार सिंह। कितना डिमांड कर रहे? जी 20,000 रुपये। फिर आपने क्या किया? फिर सर हमने रिक्वेस्ट की तो 15,000 रुपये बात हुई, हमने दे दिया वो। कैसे पकड़े गए? जी एंटी करप्शन से हमने मिला था तो उन्होंने सर उपेंद्र सर ने टीम लीड की तो उन्होंने जैसे जैसे बताया हम वैसे किए। कैसे गिरफ्तारी लिया सर? वो चाय की दुकान पर हम बैठे थे, वो वहाँ पे जो है उन्होंने पैसे लिए तो करप्शन टीम ने जो है उनको पकड़ लिया। आज मामला ये रहा कि शिकायतकर्ता कृष्णा कुमार सिंह जिनके खिलाफ थाना जमानिया में मुकदमा लिखा गया था, उसका नाम निकालने के लिए उसके एवज में 15,000 रुपये और रिश्वत लेते हुए थाना जमानिया के उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बगल से गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।